24 तारीख को हमने मेमोरेंडम दिया था डिप काम को, उसके बाद हमने 10 दिन का अल्टीमेट दिया था। आज हम चीफ ऑफ कार्यालय में ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट से पीएचई में आज हमारा धरना चल रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि गवर्नर साहब होश में आप भी आ जाओ, क्योंकि ये लोग अब खुदकुशी पे भी आ गए हैं। जैसे कल हमारा एक पीडीडी का भाई पुल से छलांग लगा दी, शहीद हो गया, उसके भी बच्चे थे छोटे छोटे, जब वो घर जाता होगा उसके बाद बच्चे भी उसको पूछते होंगे पापा आपको पे कब मिलेगी, आप परमानेंट कब होंगे, यही ताने सुन सुन के उसने भी बेचारे ने अपने आप को पुल से छलांग लगाने पर मजबूर हो गया और मर गया। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी में भी एक लड़के ने अपने आप को फंदा लगा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आप 62,000 की बात करते हो सारे, लेकिन धीरे धीरे 62,000 नहीं रहेंगे। कुछ पीडीडी में जो लोग करंट से मर जाते हैं वो भी मर रहे हैं, कुछ छलांगे लगा के मर रहे हैं, आप सोए हुए हो। हम यही कहते हैं कम से कम इंसाफ होना चाहिए। क्यों जम्मू वालों के साथ ये धोखाधड़ी होती है, हर बार जम्मू वालों को ही टारगेट बनाया जाता है। कश्मीर प्रॉमिस में हमारे भाई हम नहीं जा कहते कि वो बहुत धीरे धीरे रेगुलर भी हो रहे हैं, वहाँ सैलरियाँ भी मिल रही हैं, लेकिन जम्मू वालों के साथ बेइंसाफी हो रही है। हम जही सिन्हा साहब को कहना चाहते हैं हमारी जो मुख्य डिमांडे हैं रेगुलेशन पॉलिसी मिनिमम वेजिस एक्ट 18,500 जो हमारी पेंडिंग वेजिस है उसको लेकर 520 इम्प्लीमेंट, उसमें इम्प्लीमेंट चाहिए 520 एसआरओ के तहत जो फाइलें गई हैं उन लड़कों को रेगुलर किया जाए, क्योंकि पीडीडी बाई एक डिपार्टमेंट ऐसा है उसमें एसआरओ 381 है, पीडीडी के जो लोग हैं वो 381 एसआरओ के तहत रेगुलर होने चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं आज हमने यहाँ 20 फुट प्रदर्शन जो किया है, 15 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं, 15 दिन के बाद इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन होंगे। हम यही कहना चाहते हैं कम से कम हमारे मसले पे ध्यान दिया जाए। जय हिंद जय भारत।